दिवाली को सिर्फ दो दिन रहे और मेरी प्रिपरेशन जोरों शोरों में चल रही है। तो आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिवाली लैंटर्न लगाने वाली हूँ, बाद में हम स्वीट्स प्रिपेयर करने वाले हैं एंड एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ब्यूटीफुल रंगोली। सो पूरी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फटाफट लगा लेते हैं दिवाली लैंटर्न। करने वाले हैं दो स्वीट। सबसे पहले मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ करंजी के और पैरेलल हम बनाने वाले हैं नारियल पाका से लाडू। सो लेट्स डू फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिपरेशन ऑफ करंजी। सो ये रवा ले रही हूँ। भून लिया है, अभी आधे घंटे के लिए हम वेट करेंगे एंड तब तक हम स्टार्ट करते हैं प्रिपेयरिंग नारियल पाका से लाडू। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ करंजी के अंदर के फिलिंग की प्रिपरेशन। आपको आश्चर्य लग सकता है बट इसमें थोड़ी सी सूजी ऐड करती हूँ। भुनी हुई सूजी को अभी शिफ्ट करना है। अभी जो करंजी है इसका फिलिंग प्रिपेयर कर रही हूँ और ये मैंने ड्राई कोकोनट लिया है और उसको अच्छे से हमें भूनना है। अभी देखिए कैसे ब्राउन कलर आ रहा है ड्राई कोकोनट को, अच्छे से भूनना है अदरवाइज स्मेल आती है। सो डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल इट बिकम डार्क ब्राउन। अब ये लड्डू में मैं जो कोकोनट डालने वाली हूँ उस भूनना है। ये फ्रेश कोकोनट है, ओल्या नारा सब खोबरे है और इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अभी कोकोनट जो अच्छी तरह से भून लिया है, कोकोनट एंड सूजी के मिक्सचर के हम लड्डू बना रहे हैं, हमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह से सूजी एंड कोकोनट। अभी जितनी सूजी ली है उतनी मैंने शक्कर ली है शुगर और अभी थोड़ा पानी ऐड किया। सूजी और कोकोनट पाउडर है वो ऐड कर। कैश्यू नट पाउडर, आलमंड पाउडर और अभी थोड़ी इलायची पाउडर ऐड कर दी।
जैसे ये ठंडा होगा हम लड्डू प्रिपेयर करेंगे इसके। बहुत टेस्टी होते हैं ये लड्डू। सो अभी इसके हम लड्डू प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। सो इमीडिएटली मैं यहाँ पे लड्डू प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत बढ़िया से ऐसे लड्डू हो रहे हैं। सो ऐसे हमें लड्डू प्रिपेयर करने हैं। एक दो मैं आपको दिखाती हूँ और बाद में एंड में दिखाती हूँ। सो ये देखो, एक लड्डू प्रिपेयर हो गया। इसे यहाँ पे हमने मनुका लगाई, बेदाना भी इसको बोलते हैं। और देखो कितना ब्यूटीफुल लड्डू इज रेडी। सो दिस वे द लड्डूज आर प्रिपेयर्ड। सो अभी प्रिपेयर करते हैं फिलिंग ऑफ करंजी। सो ये भुना हुआ ड्राई कोकोनट, इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी भुनी हुई सूजी। अब इसमें ऐड करते हैं कैश्यू नट पाउडर, दिस इज आलमंड पाउडर, इलायची पाउडर फॉर फ्रेग्रेंस एंड टेस्ट। द लिस्ट पाउडर शुगर, सो नाउ द फिलिंग ऑफ करंजी इज रेडी। अभी जो आधे घंटे पहले हमने सूजी भुनी थी उसे हमें मिक्सर में ग्राइंड करके लेना। सॉफ्ट आटा बनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कैसे सॉफ्ट बना है। सो दिस वे इट शुड बी प्रिपेयर। सो ये जो आटा हमने गूंदा है छोटी सी पोर्शन लेनी है। बेलना है और अभी इसमें हम फिलिंग फील करते हैं। सो आपके हिसाब से आप फिलिंग फील करो। मुझे तो ज्यादा भरी हुई अच्छी लगती है तो मैंने काफी भरा है फिलिंग। और इसे इस तरह से क्लोज करना है। सो ये हो गई रेडी हमारी करंजी। अभी इसे करेंगे हम फ्राई। सो लो जी, बन गई करंजी। सो पहले मैं सोच रही थी बड़ी रंगोली निकालूं, बट अभी शाम हो रही है तो एक छोटी सी फटाफट रंगोली निकालते हैं। सो ये है मेरे रंगोली का फाइनल लुक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।